अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त किसान भाई खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर वेबसाइट क्या है, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिले सब्सिडी के हवाले से, इसके अलावा फसलात की उगाओ और उसकी बेहतर निगहदाश्त के हवाले से, और जो भी न्यू फार्म मशीनरी आती है या फिर पंजाब एग्री पंजाब के हवाले से कि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है और आपको उसकी बारे में इंफॉर्मेशन मिले उस वेबसाइट से, तो वो कौन सी है। इसके अलावा एग्रीकल्चर की जो है वो ज़रातनामे आते हैं, वो हर 15 दिन के बाद ज़रातनामा आता है, वो आप कैसे मतलब पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर की हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो अपनी बात शुरू करने से पहले आप सब किसान भाइयों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस ऑल कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अब हम बात करते हैं एग्री वेबसाइट के बारे में, जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिले ज़रात के हवाले से। जो दोस्तों एग्री की वेबसाइट है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, मज़ीद मैं आपको दिखा देता हूँ। www.agripunjab.gov.pk तो आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको सभी चीज़ें, सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसमें एग्रीकल्चर रिसर्च, जो भी न्यू रिसर्च होती है वो यहाँ पर, और इसके अलावा फार्म मैकेनाइजेशन मशीनरी के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन वो भी मिलेगी। और इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट के, पानी की कैसे हम मतलब ये कि मैनेजमेंट कर सकते हैं, पंजाब फसल बीमा प्रोग्राम, किसान कार्ड इंफॉर्मेशन, सब्सिडी फॉर फार्मर्स, जो किसानों को सब्सिडी मिलती है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर, कितनी मिलती है, क्या रेट पर मिलती है, किस चीज़ पर सब्सिडी मिल रही है, यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसके अलावा जो है इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ फॉर वाटर यूज़ एफिशिएंसी, एलसीड क्रॉप प्रमोशन। तो इसी तरह नीचे आप आते जाएंगे तो आपको जो है हफ्ता 15 रोज़ के बाद जो किसान ज़रातनामा मिलता है उसका भी मतलब ये है कि वहाँ से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रेस रिलीज़ है नीचे, किसान इन्हांसमेंट प्रोग्राम, राइस प्रोडक्टिविटी, ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेन प्रोडक्ट है, क्राफ्ट हैं, उनकी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसके अलावा जो है इसी चीज़ के बारे में भी पढ़ना चाहेंगे तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो इस वक्त मिनिस्टर ऑफ फॉर एग्रीकल्चर पंजाब हैं वो सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब हैं। दोस्तों जैसे ही आप नीचे बिल्कुल एंड पे जाएंगे तो वहाँ पर ये ज़िरात नामा लिखा हुआ है, ज़िरात नामे पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी मतलब ज़िरात नामे के हवाले से जो भी नया आर्टिकल आया हुआ होगा वो यहाँ पर अवेलेबल होगा। ये देखें ये ओपन हो रहे हैं, ये देखें 2022 में यकम से 15 जनवरी तक का जो ज़िरातनामा है वो आ गया है, 2021 के दिसंबर के मंथ का, नवंबर अक्टूबर, ये एक मंथ में दो आर्टिकल आते हैं। तो ऐसे ही मतलब हर मंथ के जो है दो आर्टिकल होते हैं। अब जनवरी 2022 का भी आ चुका है, मज़ीद इसको डाउनलोड करके, अगर आप डाउनलोड करना चाहेंगे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये देखिए डाउनलोड, तो डाउनलोड करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन उर्दू में लिखी होती है, आप उर्दू में पढ़ सकते हैं। ये ओपन हो रहा है अभी, तो देखिए अभी ओपन हो जाता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखें ये ओपन हो गया है, इसमें मकई की बरवक्त काश्त, भरपूर पैदावार के हवाले से, फिर पंजाब में सूरजमुखी की काश्त का आगाज़, ये इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो क्राप्स चल रही होती हैं। अब देखें मकई का वो सीज़न आ चुका है तो उसके बारे में है, इसके अलावा जो भी जो फसलें गई हुई हैं उसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है।
ये मकई की मुकम्मल तफसील है। मकई के बाद जो है नीचे फसलों के जिन्स को ज़खीरा करना है। जिन्स को ज़खीरा करने के बाद इसमें आम की गदेड़ी के का इस्तेदाद इसके हवाले से है। फिर नीचे ज़राई हेल्पलाइन मशावराती सेंटर, अगर आपको ज़राई हेल्पलाइन या मशावराती सेंटर पर बात करनी है तो 0800 17,000 ये मिलाकर आप कॉल कर सकते हैं। ये थी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।